हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं बिकम टेक्स एंड गाइस। हियर वी हैव द ऑल न्यू कावासाकी निंजा 300 एंड 2023 की बिल्कुल ही लेटेस्ट मॉडल आपके सामने खड़ी हुई है। एंड भाई, जो मोस्ट लवली अपना कलर ऑप्शन होता है वो आपके सामने खड़ा हुआ है, जो कि भाई आपको पूरा ब्लैक एंड ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन के साथ मिलता है। एंड गाइज, ये है भाई अपनी एक सिंगल वेरियंट में सिर्फ अपनी निंजा 300 अवेलेबल होती है, वो की स्टैंडर्ड जो कि आपके सामने भाई खड़ी हुई है। इसका फुल डिटेल रिव्यू करने वाले भाई, इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलता है, ऑन रोड प्राइसिंग क्या पड़ जाती है, माइलेज क्या पड़ता है, इंजन में पावर एंड टॉक, लुक्स, फ्रंट प्रोफाइल, साइड प्रोफाइल, रियर प्रोफाइल, हर एक एक चीज गाइज हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। गाइज, अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो उसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे ही बाइक से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू, अपडेट, कंपैरिजन हमेशा पाने के लिए। एंड गाइज, अगर आप लोग लखनऊ एंड वाराणसी नियर बाई से बिलोंग करते हो, कावासाकी की कोई भी आपको प्रोडक्ट चाहिए, बिल्कुल इस शोरूम पे आ सकते हैं। शोरूम का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी भाई शो हो रहा होगा। सो ऐसे ही बिना देरी के इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं गाइज की से। तो कुछ ऐसी की यहाँ पे आपको निंजा 300 में देखने को मिल जाती है, जहाँ पे गाइज आपको कावासाकी की ब्रांडिंग मिल जाती है, नॉर्मल फिजिकल की यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। एंड गाइज, उसके बाद हम लोग कलर ऑप्शन, वेरिएंट्स एंड प्राइसिंग की बात करेंगे। तो सबसे पहले गाइज, यहाँ पे आपको जो इसकी वेरिएंट मिलती है वो सिंगल वेरिएंट में अवेलेबल होती है स्टैंडर्ड। एंड कलर ऑप्शन देखते हैं, टोटल 3 कलर ऑप्शन में ही आती है भाई, लाइम ग्रीन, कैंडी लाइम एंड मेटालिक मोड कलर सिंगल वेरिएंट में आती है। तो इसकी जो प्राइस है वो आपको अप्रॉक्स जो ऑन रोड पड़ेगी वो 4,16,000 पड़ेगी। एंड अगर एक्स शोरूम को देखते हैं तो भाई ये आपको 3,43,000 कॉस्ट करती है एक्स शोरूम। एंड गाइज, जो ऑन रोड प्राइस है वो डिफरेंट सिटी स्टेट्स में भाई वेरी कर सकता है। सो गाइज, ये थी बात कलर ऑप्शन, वेरिएंट एंड प्राइसिंग की। अब स्टार्ट करते हैं भाई अपने व्हीकल से, ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल से। तो कुछ ऐसी ओवरऑल लुक निकल के आ जाती है भाई अपने निंजा 300 की। सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल आप पूरा चेकआउट कर लीजिए, काफ़ी मस्कुलर, काफ़ी बढ़िया सा लगता है। ट्विन हेडलैम्प सेटअप के साथ ये आती है। एंड यहाँ पे गाइज, अगर आप देख रहे हो भाई अपना वाइजर, ट्रांसपेरेंट वाइजर मिल जाता है, नंबर प्लेट होल्डिंग की सेटअप। यहाँ पे गाइज आपको एडजस्टेबल रियर व्यू मिरर मिलता है, और कुछ ऐसा गाइज ओवरऑल यहाँ पे आपको हेडलैम्प देखने को मिल जाता है। एंड फ्रंट की में आपको देखते हैं तो भाई जो अपना सस्पेंशन मिलता है वो टेलीस्कोपिक मिलता है। यहाँ पे मडगार्ड आपको भाई पूरा फाइबर का मिलता है, कावासाकी की ब्रांडिंग। एंड गाइज, यहाँ पे आपको ABS की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और ये जो अपनी भाई वेरिएंट है, ये अपना भाई डुअल चैनल ABS के साथ आता है, फ्रंट में भी ABS, रियर में भी ABS मिलता है। तो ब्रेकिंग सिस्टम काफ़ी सही हो जाती है। एंड अगर आप एक पहली बार बाइक को देखेंगे भाई, बहुत ज़्यादा आपको प्यार हो जाएगा, ऐसी लुक आती है। और प्राइस रेंज में भी भाई आपको मतलब अप्रॉक्स 4,16,000 to 20,000 में आपको भाई निंजा मिल जा रही है, अब आपको क्या ही चाहिए। एंड उसी के बाद गाइज, अगर आप देख रहे हो तो ये भाई अपनी जो व्हीकल है वो 2-सिलेंडर व्हीकल है। एंड फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आ रहा था मडगार्ड, यहाँ पे आपको नॉन फंक्शनल रिफ्लेक्टर मिलेगा। एंड गाइज, अगर फ्रंट टायर प्रोफाइल की बात करते हैं तो यहाँ पे गाइज आपको मिल जाता है 110/70 सेक्शन के टायर विद 70 inches ऑफ अलॉय व्हील। एंड काफ़ी बढ़िया आपको अलॉय व्हील देखने को मिल जाता है। एंड गाइज, ये अपना आता है भाई अपना ट्विन डिस्क है और डुअल चैनल ABS है, तो फ्रंट में भी भाई अपना ABS आता है और रियर में भी अपना ABS मिलता है। बाकी गाइज, इंजन स्पेसिफिकेशन हम लोग सबकी बात करेंगे, पहले पूरा प्रोफाइल देख लेते हैं। तो गाइज, फ्रंट का प्रोफाइल अपना दिखा दिया, अब आते हैं इसके राइट साइड प्रोफाइल की तरफ। सो गाइज, ये है इसकी ओवरऑल पूरी अपनी राइट साइड प्रोफाइल, जहाँ पे गाइज आप देख रहे हैं तो कुछ ऐसा लुक मिल जाता है। फेयरिंग काफ़ी ज़्यादा है एंड पूरा भाई ये कनेक्टेड है अपना फ्रंट से। एंड हैंडलिंग में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाता है ये। और उसी के बाद गाइज, अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है भाई अपनी निंजा की ब्रांडिंग। टर्न लाइट इंडिकेटर गाइज यहाँ पे आपको साइड टेल पे देखने को मिलेगा। एंड 300 की ग्राफिक्स मिल जाती है, सब यहाँ पे ग्राफिक्स मिलेगी निंजा की, कोई भी गाइज यहाँ पे आपको 3D ब्रांडिंग वगैरह नहीं मिलेगी। अगेन नीचे आपको कावासाकी की ब्रांडिंग मिलेगी। एंड गाइज, कुछ ऐसा यहाँ पे आपको पूरा इंजन सेटअप मिलता है, 2-सिलेंडर व्हीकल है। एंड यहाँ पे आपको रेडी वाटर देखने को मिलेगा इंजन को कूल करने के लिए। हॉर्न देखेंगे गाइज तो यहाँ पे आपको ये हॉर्न की प्लेसमेंट यहाँ मिलेगी। एंड गाइज, ये भाई अपना इसका पूरा ओवरऑल साइड पे फेयरिंग, जहाँ पे गाइज अगर आप देखेंगे ब्लैक कलर का इंजन मिल जा रहा है, यहाँ ब्रेक लीवर मिलेगा कुछ ऐसा काफ़ी बड़ा साइज का। यहाँ पे एक एग्जॉस्ट मिलता है, अभी एग्जॉस्ट नोट भी मैं आपको सुना दूंगा भाई। यहाँ पे आपको फुट रेस मिल जाएगा, स्प्लिट सीट के साथ ही अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे गाइज अगर आप देख रहे हैं तो ठीक है, स्प्लिट सीट प्लेनियर को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा आपको डिस्टेंस वगैरह देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पे आपको मेडिकेट मिल जाता है। और गाइज, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा बल्कि सा टैंक मिल रहा है, जहाँ पे कावासाकी की ब्रांडिंग मिल जाती है। एंड ये भाई अपना जो आपको मिलता है ये भाई मेटल का मिलता है, यहाँ पे फाइबर की आपको ओवरऑल मिल जाती है भाई अपनी कवरिंग। एंड उसी के बाद गाइज, ये है इसकी ओवरऑल अपनी भाई रियर राइट साइड प्रोफाइल। एग्जॉस्ट आप लोगों ने देख लिया भाई, स्मोक ब्लैक कलर का एग्जॉस्ट मिल रहा है। यहाँ पे भाई आपको मिल जा रही है सिल्वर के ऊपर कवर, एंड आप इसको भाई बोल सकते हो मैट सिल्वर टाइप में, मतलब ग्लॉसी नहीं है। और यहाँ पे गाइज आपको एक काउल मिल जाता है, इधर आप एप ग्रैब का भी काम कर सकते हैं, एंड आगे पीछे करना है तो थोड़ा सा पकड़ के इसको कर सकते हैं। फ्रंट पे अपना टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आ रहा था। एंड रियर में गाइज आपको यहाँ पे भाई मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, एंड काफ़ी हैवी, काफ़ी बड़े सेक्शन का रियर में टायर मिलता है। और अगर टायर प्रोफाइल की बात करते हैं तो भाई यहाँ पे आपको मिल जाती है अपनी 140/70 सेक्शन की टायर विद 70 inches ऑफ अलॉय व्हील। एंड रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक मिल रहा है, रियर में भी ABS मिल जा रहा है। और गाइज पूरा प्रोफाइल चेक करिए, काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रही है, बल्कि लग रही है। एंड इसको अगर आप कंपेयर करेंगे भाई अपने R15 वगैरह से तो भाई इंजन के मामले में तो ये भाई बहुत आगे निकल के आ जाती है। डायमेंशन वाइज थोड़ी मोड़ी भाई सिमिलर है। बाकी सीट्स आपको दिखाई दिया, स्पीड सीट आ रहा था, टैंक। एंड गाइज आते हैं रियर प्रोफाइल की तरफ। तो गाइज एक बार इग्निशन को ऑन कर देते हैं। सो गाइज कुछ ऐसा यहाँ पे आपको पूरा रियर प्रोफाइल देखने को मिल जाता है।
जहाँ पे गए आप सबसे पहले नज़र पड़ेगी आपके भाई इसके टेल लैम्प पे, तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर बेस हैलोजन सेटअप में ब्रेक लाइट मिलता है। इधर गए आपको टर्न लाइट इंडिकेटर भी मिल जाता है, जो कि गए आपको अपना हैलोजन देखने को मिलता है। इधर आपको नॉन फंक्शनल रिफ्लेक्टर, नंबर प्लेट होल्डिंग सेटअप एंड टायर भाई आपको मैंने दिखाई दिया, काफ़ी बढ़िया ग्रिप के साथ टायर आता है। टायर प्रोफाइल भी इसकी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और गाइज ये 2023 की बिल्कुल ही लेटेस्ट मॉडल है। रियर प्रोफाइल आप लोगों ने देख लिया एंड गाइज ये इसके ओवरऑल लेफ्ट साइड प्रोफाइल एंड इसके भाई भाई मीटर कंसोल की बात अभी बिल्कुल करेंगे हम लोग। यहाँ पे गाइज अगर आप देख रहे हैं तो प्रॉपर आपको साड़ी कार देखने को मिल जाता है एंड टायर प्रोफाइल 140x70 सेक्शन के मिली रहते हैं विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। अलॉय व्हील काफ़ी सही मिलता है, साइड स्टैंड मिल जाता है। यहाँ पे आपको भाई प्लेनर के लिए डेडिकेटेड फुटरेस्ट मिल जाता है। यहाँ पे गियर लीवर जो कि स्प्लिट मिलता है एंड 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही आता है। यहाँ पे आपको साइड स्टैंड मिलेगा एंड इंजन कट ऑफ साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ के साथ आता है ये एंड इंजन ये भाई अपना। और यहाँ पे आपको पूरा 300 की ब्रांडिंग, एक बार मैं पूरा दिखा देता हूँ आपको। इधर गाइज आपको निंजा 300 की ब्रांडिंग मिलेगी, टर्न लाइट इंडिकेटर प्लेसमेंट हियर एंड ऐसा कुछ आपको ओवरऑल प्रोफाइल मिलता है। अब बात करते हैं भाई हम लोग इसके मीटर कंसोल के बारे में। तो गाइज यहाँ पे आप देख रहे हो तो सेमी डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है, जहाँ पे गाइज आपको ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर वगैरह देखने को मिलेगा एंड काफ़ी जो बढ़िया चीज़ लगता है ये भाई आपको जो टैकोमीटर मिलता है अपना एनालॉग में। यहाँ पे न्यूट्रल की ब्रांडिंग, लो फ्यूल इंडिकेशन, ABS, इंजन चेक लाइट, टर्न लाइट इंडिकेशन, हाई बीम, लो बीम वगैरह काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लस्टर में देखने को मिलते हैं एंड यहाँ पे आपको ट्रिप मीटर मिलेगा, स्पीडोमीटर मिल जाता है। और उसके बाद गाइज इधर आप देख रहे हैं डिजिटल फ्यूल दिया जाता है, क्लॉक आ जाता है एंड गाइज कुछ ऐसा यहाँ पे ओवरऑल मीटर कंसोल वगैरह भाई देखने को मिल जाता है। एंड उसके बाद गाइज अगर स्विचेस की बात करेंगे तो उससे पहले आप हैंडल बार देखेंगे, कुछ ऐसा हैंडल बार मिलता है एंड राइट साइड में मिल जाता है भाई अपना इंजन कट ऑफ का स्विच एंड उसी के बाद गाइज आ जाता है अपना सेल्फ स्टार्ट स्विच। एंड इधर आते हैं तो भाई इधर आपको सबसे पहले पीछे अपना पास का बटन देखने को मिलेगा एंड फिर फ्रंट में आ रहे हैं तो हाई बीम, लो बीम, टर्न लाइट इंडिकेटर एंड हॉर्न का स्विच। बाकी गाइज कुछ ऐसा ओवरऑल क्लस्टर यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है एंड फ्रंट में जब आप भाई ऑन करते हो तो इसकी पार्किंग लाइट जल जाती है, जो कि आपको दोनों ही तरफ देखने को मिलेगी यहाँ पे एंड यहाँ पे। और इसको भाई ऑफ कर देते हैं। सो गाइज ये था इसका पूरा वॉक अराउंड, फ्रंट प्रोफाइल, साइड प्रोफाइल, रियर प्रोफाइल, मीटर कंसोल वगैरह मैंने भाई दिखा दिया एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं काफ़ी हैवी सा टैंक मिलता है एंड टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं तो वो 17 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ ही आती है, जहाँ पे आपको फ्यूल नोब भाई अपना मिलेगा सिल्वर और ग्रे कलर से, काफ़ी ज़्यादा भाई ये बढ़िया लगता है। एंड यहाँ पे भाई आपको कुछ नोटिस मिल जाएगी, नेवर फिल टैंक, मतलब पूरा ऊपर नोजल तक इसको फिल ना करवाएं। और उसी के बाद गाइज यहाँ पे अगर हम लोग टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बात करेंगे तो सबसे पहले गाइज यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं भाई इसके इंजन की तरफ। तो यहाँ पे गाइस अगर अभी इसको इंजन को देखते हैं तो यहाँ पे गाइस आपको मिल जाता है, जो इसका इंजन है वो मिलता है भाई अपना 296cc 2-cylinder BS6 Phase 2 इंजन है एंड भाई ये ऑयल कूल सेटअप के साथ आता है। और पावर की बात करेंगे तो 38.88 BHP पावर मिल जाती है 11,000 RPM पे एंड 26.1 NM का टॉर्क मिलता है 10,000 RPM पे। और गाइस माइलेज यहाँ पे आप 25-30 की MPL का भाई यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एंड 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है ये। और गाइज अगर हम लोग बात कर लेते हैं भाई इसकी टॉप स्पीड की तो 160 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिल जा रही है। और गाइज अगर हम लोग देख रहे हैं भाई इसके ब्रेक्स, व्हील्स एंड सस्पेंशन को, तो गाइज सबसे पहले अगर आप फ्रंट में भाई अपना देख रहे हो तो यहाँ पे 110x70 सेक्शन टायर मिल रहे हैं विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील एंड जो डिस्क ब्रेक का साइज मिलता है भाई फ्रंट में वो आपको मिल जाता है भाई अपना 290mm का। रियर में गाइज अगर आप देख रहे हो तो 220mm का भाई डिस्क ब्रेक मिलता है। डुअल चैनल के साथ आती है तो फ्रंट में भी ABS, रियर में भी ABS और उसके बाद रियर में गाइज आपको 140x70 सेक्शन टायर मिलते हैं। सो गाइज ये था इसका पूरा इंजन स्पेसिफिकेशन, टायर प्रोफाइल। सो गाइज अब देखते हैं भाई इसके ओवरऑल डायमेंशन की, तो जो लेंथ यहाँ पे आपको मिल जाती है भाई वो मिलती है 2015mm की एंड वेट को देखते हैं तो भाई 715mm की वेट मिलती है। और ओवरऑल हाइट को देखेंगे तो 1110mm की हाइट मिलेगी, 1405mm की ओवरऑल व्हील बेस देखने को मिल जाती है। बाकी गाइज कॉर्बेट यहाँ पे 179kg की है एंड ग्राउंड क्लियरेंस गाइज बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो यहाँ पे गाइज आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है वो मिल जाती है भाई 140mm की। सो गाइस कुछ ऐसी इसकी ओवरऑल भाई डायमेंशन, वेट वगैरह मिल जाती है एंड भाई प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा शानदार लगती है, बढ़िया लगती है एंड भाई ठीक लग रही है। बाकी टायर अगर आप देखते हैं, टायर प्रोफाइल भी बढ़िया है, क्वालिटी भाई यहाँ पे अगर आप देख रहे हो यहाँ पे फाइबर वगैरह की, तो भाई ऐसा नहीं है अपना ये फाइबर है या फिर प्लास्टिक है, तो भाई कुछ दबरे काफ़ी टॉप नोच यहाँ पे भाई मटेरियल यूज़ किया गया अपने निंजा 300 में एंड उसके बाद ग्राफिक्स इसका लोगों को काफ़ी पसंद आता है, जो कि ओवरऑल ग्रीन बॉडी में आपको देखने को मिल रही है ब्लैक कलर रेड कलर से, भाई ठीक लग रहा है। बाकी रियर व्यू मिरर आपको दोनों ही साइड फ्रंट में देखने को मिल जाते हैं। सो गाइज अब मैं आपको भाई वीडियो इन करने से पहले इसका भाई एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ। सो गाइस कुछ ऐसा यहाँ पे आपको एक जॉस नोट सुनने को मिल जाता है, इंजन का साउंड आता है, तो भाई यहाँ पे आपको भाई सुपर बाइक का एक फील आ जाता है जब आप इस पे बैठे हो, एक जॉस को ऑन करोगे भाई जब ये वार्म अप होती है ना, काफ़ी अच्छा फील यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। सो गाइस ये था भाई अपने ऑल न्यू 2023 निंजा
300 का फुल डिटेल रिव्यू, प्राइसिंग मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग बता दिया, फिर से बताओ भाई ऑन रोड कॉस्ट करती है लखनऊ में ये 4,16,000 अप्रॉक्स। एंड गाइस जो ऑन रोड प्राइस है वो डिफरेंट सिटी में वैरी कर सकती है। एंड वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो इसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे ही बाइक से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू अपडेट कंपैरिजन हमेशा पाने के लिए। एंड भाई कोई भी प्रोडक्ट आपको चाहिए अपने कावासाकी की, अगर आप वाराणसी लखनऊ से बिलोंग करते हो तो भाई आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।